भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नासं विदाय हितदोदयते विवेकः। अनंत जन्मों के पुण्यों का फल जब एकत्रीभूत होता है तब कहीं ऐसा सुंदर समागम हुआ करता है। गोस्वामी जी ने भी बात कही, बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, और श्री राम जी की कृपा ना होवे तब तक ऐसा सुंदर सत्संग नहीं होता जो सत्संग हमारे तिवारी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। नारद भक्ति सूत्र में भी ये बात कही है, महासंगस्तु दुर्लभो अमोघस्य। महापुरुषों का, संतों का संग दुर्लभ है और अमोघ है। आज हम सब श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने जा रहे हैं। भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसको स्वयं ठाकुर जी ने अपने मुखार विंद से गान किया गया किया हो। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनका गायन स्वयं ठाकुर जी ने किया है। इसमें भगवान के भक्तों का चरित्र है। भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया हो, उस ग्रंथ का नाम है भागवत। भागवत एक भक्तमाल है। इसमें भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया है। अब तक दो विशिष्ट भक्तमालों की रचना है। एक संस्कृत बांग में भक्तमाल है और दूसरे हिंदी बांग में भक्तमाल है। एक की रचना देवर्षि नारद जी के आज्ञा पर श्री व्यास जी ने किया और एक की रचना श्री अग्र स्वामी की आज्ञा पर श्री नाभा स्वामी ने किया। अग्र देव आज्ञा करी भक्तन को यश गा, भव सागर के तरन को नाही ने आने वा। भव सागर से तरने के लिए और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भागवत ग्रंथ ही एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में किसी देवी का नाम नहीं, किसी देवता का नाम नहीं, जिसके आदि में केवल भगवान के भक्तों का ही नाम है। 18 पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, कल्कि पुराण, ये जितने भी पुराण हैं सब में
किसी न किसी भगवान के अवतार का और रूप का नाम लिया गया है, किंतु भागवत में अवतार और रूप सामने नहीं ला करके रखा गया। भागवत कहते किसे हैं? भगवान के जो जन हैं, भक्त हैं, उनका नाम भागवत है। श्रीमद् भागवत का स्वरूप कैसा है? भागवत के प्रतिपाद्य आराध्य श्री कृष्णचंद्र का स्वरूप कैसा है? इसका वर्णन महात्म के प्रथम मंगलाचरण पर किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है। उनका रूप गोरा, काला, लाल, पीला, हरा नहीं है। उनका स्वरूप सच्चिदानंद में है। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? सत धन, चित धन, आनंद, सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप है। चिद माने चैतन्य स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। देखो, परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। हमारी श्रुति भी कहती है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। गोस्वामी जी भी इस बात को स्पष्ट करके कह रहे चिदानंद मैं देह तुम्हारी चिदानंद मैं देह तुम्हारी चिदानंद मैं देह सारे शब्दों का उल्टा बना शब्द, पर आनंद शब्द का विपरीत शब्द कोई बना ही नहीं आज तक। लाभ, हानि, जय, पराजय, यश, अपयश, सुख, दुख, किंतु आनंद का उल्टा। आनंद का विलोमार्थी शब्द आज तक नहीं बना। इसका मतलब है जिसके जीवन में एक बार आनंद सिंधु परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।